स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल KSS भारतीय संगीत में। मेरे सभी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोवर्स को मेरा ढेर सारा प्यार और प्रणाम। आज पोस्ट थोड़ा सा लेट हो गई है, लेकिन बहुत ही सुंदर पोस्ट होने वाली है। राग शिवरंजनी के अंतर्गत, राग शिवरंजनी पर आधारित फिल्मी गाने, राग शिवरंजनी का परिचय, राग शिवरंजनी के सरगम गीत आप सभी के बीच में लेकर के आई थी। अगर आपने नहीं देखे तो आप मेरे चैनल पर जा करके देख सकते हैं। और आज आप सभी के बीच मैं इस गाने का नोटेशन लेकर के आई हूँ और इस गाने को हम आज सीखेंगे हारमोनियम पर। और ये गाना ट्रिब्यूट है लता मंगेशकर जी को। आप लोग भी इस गाने के माध्यम से लता मंगेशकर जी को ट्रिब्यूट दे सकते हैं। बहुत ही सरल तरीके से गाना है। आज की इस पार्ट एक में हम सीखेंगे इस गाने का। गाना है मेरे नैना सावन भादो, फ्रॉम द फिल्म महबूबा। संगीतकार आर डी बर्मन साहब, गीतकार आनंद बख्शी जी और सिंगर हमारे स्वरपुक लता मंगेशकर जी, और साथ दिया था किशोर कुमार। और साथ ही किशोर कुमार जी ने इस गाने में दो वर्जन है, एक लता मंगेशकर जी का है और एक किशोर कुमार जी का है। तो आज के इस पार्ट में हम आलाप सीखेंगे लता जी का भी और किशोर जी का भी, और स्थाई सीखेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इस गाने का अंतरा लेकर के चलेंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि राग शिवरंजनी में 5 स्वर लगते हैं, ता रे कोमल गा प ध सा, मा और नी स्वर इस राग में नहीं लगते। लेकिन इस गाने में आपका मा, शुद्ध नी, कोमल नी और शुद्ध गा का प्रयोग हुआ है, लेकिन विवादी स्वर के रूप में अल्प प्रयोग हुआ है। यानी कि गाने को और सुंदर जो बनाते हैं, जिन स्वरों से गाने में और सुंदरता आ जाती है, उनमें से ये स्वर आपके लगे हैं। लेकिन मुख्य रूप से राग शिवरंजनी चल रहा है, सारे कोमल का प ध सा। यहाँ पर हमने अपना जो स्केल रखा है सी शार्प को सा मान करके इस गाने को निभाया है। आप अपने हिसाब से अपना स्केल रख सकते हैं। तो एक बार सीरीज देख लेते हैं। सी शार्प को हमने सा माना है, मन सप्तक का पा, मन सप्तक का धा, मन सप्तक का कोमल नी, मन सप्तक का शुद्ध नी, सा रे कोमल गा शुद्ध गा मा पा कोमल धा शुद्ध धा कोमल नी शुद्ध नी सा। बेसिकली आपका पूरा गाना यहां तक पहुंचेगा, शुद्ध नी तक। तो चलिए सबसे पहले एक बार स्टार्टिंग का आलाप देख लेते हैं, पहले गा के देख लेते हैं, उसके बाद फिर स्वर बताऊंगी। आलाप जो शुरू होगा आपका रे से शुरू होगा। स्वर देखिए, रे किशोर जी का लाभ टेक में हम इतना ही सीखेंगे, ठीक है। और नोटेशन आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का सीखेंगे। तो चलिए पहले हम सीखते हैं इतनी लाइन का नोटेशन। तो चलिए पहली लाइन आपकी शुरू होती है रे से, मेरे भा
धनी प्यासा, धनी प्यासा, फिर धनी रे निधा पा, धनी रे निधा पा, फिर भी पधनी पधनी, फिर भी मेरा रे करे पधनी रे करे, मन प्यासा निधा निधा पापा। ठीक है, अब पूरा एक बार स्वर देख लेते हैं। रे गा पा गा पा पा गा धा पा गा रे, रे गा मा गा रे, रे गा गा रे रे नी 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 धनी धनी रे नी धा पा पा धनी रे गा रे नी धनी धा पा। तो ये है इस गाने का स्थाई। तो पार्ट एक में हमने क्या क्या सीखा? आलाप सीखा, ठीक है, और किशोर जी का आलाप सीखा, लता जी का आलाप सीखा, और स्थाई सीखी। नेक्स्ट पार्ट में हम इस गाने का अंतरा लेकर के चलेंगे। पोस्ट ज़्यादा बड़ी है नहीं, स्थाई स्थाई हमने यहाँ पे सीखा है। तो आप ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अगर आपको पोस्ट पसंद आई हो तो।